नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, ग्लोबल इवेंट्स की, क्रूड, डॉलर और गोल्ड की, और इन सब का भारतीय बाजार पर अगले हफ्ते क्या असर होगा, उसकी क्या मार्केट की चाल होगी, कौन से स्टॉक्स चलेंगे और आपको कहाँ ट्रेड करना चाहिए। इन सब की चर्चा मैं करता हूँ बाजार की राय में। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लेकर आता हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज से है, और इस इंफॉर्मेशन को अगर आप यूज करके कोई ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें या अपने खुद के जोखिम पे करें। आपको होने वाले किसी भी नुकसान या फायदे के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार नहीं हूँ। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आती है, इसके बेस पे आप कुछ पैसे कमा पाते हैं, अच्छे ट्रेड कर पाते हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इवेंट्स की जो पिछले हफ्ते में थी। तो एक बड़ा इवेंट था फेड का रेट बढ़ाने का डिसीजन। फेड ने इस बार फिर चौथी बार 0.75% से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, मतलब पिछले कुछ दिनों में करीब करीब 4-4.5% की बढ़ोतरी हमने देख चुके हैं कुल मिला के। तो अब ये इसका असर बेसिकली निगेटिव होना चाहिए था, और लास्ट 3 दिन से उसके बाद में मार्केट 2-3 दिन नीचे भी गिरे अमेरिकन मार्केट, लेकिन हमारे मार्केट पिछले 5 दिनों से सिर्फ ऊपर ही बंद हो रहे हैं। तो जो अभी अमेरिकन मार्केट से वहां हम लोग को दो अलग अलग ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन्स ने अपनी काफी रिकवरी दिखाई है नीचे से, और अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास जो मैं आपको बताऊंगा चार्ट में, वहां आपने ट्रेड कर रहा है, मतलब हायर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। जबकि नैस्डैक जो भी अमेरिकन मार्केट से और खास करके टेक्नोलॉजी कंपनियों का मतलब बाजार है, जैसे टेस्ला है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मेटा है, ये स्टॉक जहाँ लिस्टेड है वो चाल बिल्कुल उल्टी दिखा रहा है। और ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जो जिनके स्टॉक्स अपने बहुत नीचे के लेवल पे चल रहे हैं, कोई 52 वीक लेवल पे चल लो लेवल पे चल रहा है, कोई 24 महीने के लो लेवल पे चल रहा है, तो कोई अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है। तो इन सब के वजह से एक चीज तो क्लियर है कि जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वहाँ अभी कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा है, जबकि वहाँ की टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने स्टाफ में कमी कर रही हैं या अभी वो नई भर्ती नहीं कर रही है। तो ये एक और निगेटिव फैक्टर वहां हमको दिखाई दे रहा है। उसका असर भारतीय स्टॉक मार्केट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे भी पड़ेगा, और हमको आईटी कंपनी में इसी टाइप का रुझान अभी और कुछ दिनों तक दिख सकता है। यहाँ भी प्राइसेस और गिर सकती हैं, तो जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईटी कंपनी में वो थोड़ा सा रुक के और देखे कि वहाँ क्या हलचल हो रही है। तो बात करते हैं आगे, जो फेड ने अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं उसके वजह से अब एक नया जो फर्क आने वाला वो ये है कि अगले 2-3-4 क्वार्टर में वहाँ हमको कंपनियों के रिजल्ट्स में इसका असर दिखेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उनका जो इंटरेस्ट का जो बोझ है वो बढ़ने वाला है। तो ये एक फर्क है, और लेकिन इसका फर्क हमारे यहाँ ये हो सकता है कि हम भी अपने यहाँ दिसंबर में जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी आएगी वहाँ एक और हाइक देख सकते हैं, क्योंकि हमको वहाँ भी मैच करना पड़ेगा डॉलर के बढ़ोतरी से। तो शायद एक और हाइक हमको यहाँ 50 बेसिस पॉइंट या 25 बेसिस पॉइंट की दिख सकती है। तो हमारे यहाँ भी एक थोड़ा सा ये निगेटिव फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग कुल मिला के भारतीय बाजार की बात करेंगे तो अब मुझे यहाँ से ये बढ़ते हुए दिखता है। अमेरिकन मार्केट भी अभी एक आध क्वार्टर और थोड़ा सा ये डावाडोल रह सकते हैं, लेकिन फिर कुल मिला के अब हम लोग वो सारी बुराई या बुरी खबर है अब हम यहाँ से उसको पीछे छोड़ते नजर आएंगे और एक नई हम लोग को ऊंचाई दिखते हुए दिखेगी, बढ़ते हुए दिखेगी। तो इसका लीडिंग जो रहेगा वो इंडिया रहेगा। भारतीय मार्केट अभी हम लोग देखेंगे कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ेंगे, और इसका ही फायदा हमको उठाना है, और इसी का फायदा उठाते हमको अच्छे कंपनियों में इन्वेस्टमेंट अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर भी आया हूँ जहाँ एक बड़ी
बढ़त के भी चांस हैं, वो भी स्टॉक्स में लेकर आए हैं, और कुछ स्टॉक्स हैं जो आप इमीडिएट छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि चार्ट पे हमको क्या नजर आ रहा है और कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ आप अगले वीक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। तो देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। तो दोस्तों देखिए चार्ट क्या कह रहे हैं, और चार्ट पे हमको समझ में आएगा कि दिशा क्या हो सकती है आने वाले दिनों में मार्केट की। तो बात शुरू करते हैं डाउ जोन्स से। तो डाउ जोन्स का हम लोग देखेंगे, एक यहाँ ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, और लास्ट वीक में मैंने कहा था कि हम एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, और वहाँ एक देखने वाली बात होगी कि क्या रिवर्सल आता है क्या, और ये रिवर्सल भी आया, प्राइस नीचे भी आई, लेकिन एक और ट्रेंड लाइन है जो काम कर रही है अभी, वो है ये वाली, और जो सपोर्ट का काम कर रही है, और सपोर्ट पे आके हमने देखा कि यहाँ वापस हमने एक रिवर्सल भी देखा। तो अब हम लोग दो ट्रेंड लाइन के बीच में है, एक सपोर्ट का काम कर रही है और एक रेजिस्टेंस का। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगले वीक में हम लोग किस और बाहर निकलते हैं, और वो जो दिशा होगी वो तय करेगी कि मार्केट बुलिश हो सकते हैं या बेरिश। जहाँ तक मेरा अपना सोच है, अब यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा बुलिश होना चाहिए, देखते हैं क्या हो सकता है। डाउ जोन्स तो करीब लेकिन यहाँ काफ़ी एक अच्छी सुधार दिखा रहा है, लेकिन ये वही बात नैसडैक के साथ में नज़र नहीं आ रही। नैसडैक में अगर हम लोग देखेंगे तो नैसडैक में अभी गिरावट जारी है, वो भी अपने लो के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है, और इसकी बड़ी वजह है कि अमेरिका में जो भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम लोग बात मेटा की करें, मतलब फेसबुक की करें, तो वो अपने ऑल टाइम लो पे काम कर रहा है और अपने हाई से 1/4 प्राइस पे आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो वो 1 2 ईयर लो पे काम कर रही है, और बात करेंगे अमेज़ॉन पे तो वो भी अपने 2 साल के लो पे काम कर रही है। तो इन सब का हालत जो है वो बहुत बुरा है, और वहाँ अभी कोई सुधार होते नज़र भी नहीं आ रहा, और इसी का खामियाजा हम हमारे टेक कंपनीज को भी होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ जो अभी हालत है वो बहुत मुश्किल वाली है, और देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ कोई सुधार होता है या नैसडैक में और नीचे का बनता है। देखिए नैसडैक का नीचे गिरना ये हमारे टेक कंपनीज का भी भविष्य तय करेगा कि वहाँ हमको कैसी चाल आगे चल के नज़र आती है। तो बात करते हैं बाकी जो भी मार्केट है, डैक्स हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे चाइना हो या यूके हो, इन सब ने पिछले वीक में एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई है, और एक अच्छा खासा माहौल बना है बुलिश मार्केट का। तो देख इन सब का असर हमारे मार्केट में क्या होगा वो भी हम देखेंगे, पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड की, डॉलर की और क्रूड की। तो जो गोल्ड है, अब हम लोग अगर देखेंगे कि अगले वीक में हमको गोल्ड में क्या करना है, तो गोल्ड का एक नो ट्रेड जोन जो मैंने बनाया है वो है 50,866 का और 50,346। इसके बीच में जनरली हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, आपको बाय करके चलना है 50,866 के ऊपर, और फिर आपको आपके टारगेट्स होंगे 51,498 और 52,137 के नीचे की। अगर अगर गोल्ड बढ़ना शुरू करता है, जो लगता नहीं है अगले वीक में मोस्टली गोल्ड आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन अगर नीचे आता है और नीचे 53,46 का लेवल तोड़ता है, तो फिर आपके टारगेट्स होंगे 49,816 और 48,966 के। बात कर लेंगे डॉलर की, तो डॉलर में हमने एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी इस बार, और रुपया मजबूत हुआ है लेकिन एक रेंज के अंदर ही। तो ये रेंज जो है वो उसी रेंज में ही अभी ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो रेंज है उस रेंज में ही यहाँ हमको ट्रेड होते हुए नज़र आएगा। वो तो सिंपल अभी जो है प्रोबेबली इस वीक में हमको जो रुपए में और गिरावट होते हुए दिख सकती है, अदरवाइज वैसे तो अभी हम लोग परफेक्ट सपोर्ट पे खड़े हैं, और यहाँ से एक रिवर्स होना चाहिए, और रिवर्स होता है और 82 के ऊपर बढ़ना शुरू होता है, तो फिर वापस 82,49 और 82,81,
ये लेवल्स आते हुए हमको दिख सकते हैं। और ये सपोर्ट लेवल 8196 का जो सपोर्ट लेवल है वो अगर हम लोग तोड़ते हैं तो फिर एक नया सपोर्ट तैयार होगा, जो होगा 8170 का और 8146। तो ये दो टारगेट के लिए हम लोग यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है नेक्स्ट वीक हमको यहाँ वापस से एक बढ़त नज़र आए, और क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए हमको नज़र आ सकता है। तो देखिए जहाँ जिस और भी ये बढ़ना शुरू करेगा उस और में आपको ट्रेड लेना है। बात करते हैं क्रूड की, तो क्रूड में भी एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई दी है। उसकी वजह है कि सारे मार्केट्स में एक अच्छा खासा उछाल, तो ये जो उछाल आया है उस तो डेफिनेटली क्रूड में भी मांग बढ़ी है, और क्रूड में मांग बढ़ी है तो क्रूड के प्राइस में भी हमने बढ़त आते हुए देखी। अब इस वीक में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस वीक में 7590 ये हमारा लिए एक लेवल होगा, जो अगर उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं क्रूड में तो फिर 7781 और 8088 ये दो टारगेट्स हम लोग के लिए ऊपर की ओर बनते हैं। नीचे अगर ये 7437 ये लेवल अगर ब्रेक होता है और प्राइस उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर आप शॉर्ट करेंगे, और फिर टारगेट्स होंगे फिर 7265 और 7061। तो ये तो बात हो गई कम्युनिटी की, गोल्ड की और डॉलर की। अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी पे। निफ्टी ने एक अच्छा खासा अब हमारा हम लोग अब ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, जो छोटा मोटा एक हमने बीच में गिरावट देखी भी थी अब वो पूरी कवर हो गई। लास्ट वीक ही मैंने क्लियर कहा था कि आई एम वेरी बुलिश, और अब यहाँ से मैं बुलिश हूँ, ये मैंने लास्ट वीक में ही कहा था, करेक्ट है। और वहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले 5 दिन में प्राइस ऊपर ऊपर ही गई है। तो अब यहाँ से क्या माहौल बन रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग मंडे जो खुलेंगे वो प्रोबेबली 18,200 के ऊपर खुलेंगे, और 18,200 ही हमारा अब एक बेस बन जाएगा नेक्स्ट मूव के लिए, और वही हमारे लिए बाउंड्री का भी काम करेगा। तो 18,200 के ऊपर जब हम लोग रहेंगे तब तक हम लोग पोजिशनल बुलिश व्यू लेके चलेंगे। हमारा टारगेट होगा 18349 और 18500। अब 18500 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक राउंड फिगर रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहाँ हमने कई स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग होते हुए हमको दिखेगी, और इसीलिए हमको वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है, वो हमने इस समय की इस वीक की बाउंड्री मान ली ऊपर की। नीचे की ओर अगर हम लोग 18200 तोड़ के ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर ये 18127 और 17997 मतलब 18000, तो इस वीक के लिए 18000 हमारे लिए एक लोअर एंड का बेस का काम करेगा। 18 के ऊपर अभी बेसिकली हम लोग अपने आप को बुलिश मान के ही चलेंगे, पर इस वीक के लिए 18200 हमारा बाउंड्री होगा। तो 18200 से 18000 तक के जो जो लेवल वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग के लिए होंगे, लेकिन अगर हम लोग पोजिशनल बात करें तो हम लोग पोजिशनली बुलिश ही हैं। तो नीचे आके आपको पोजिशन अगर नीचे कहीं ट्रेड मिलता है तो आप पोजिशनल वहां भी बाय करके चल सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अपर बुलिश मूव के लिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में इस वीक आप एक काम करेंगे, लेवल होगा 41300 और 41241 के, ये एक लेवल होगी जो हमारे नॉन ट्रेड जोन का फिलहाल शुरुआत में काम करेगी। तो शुरुआत मतलब मंडे में अगर इन दोनों में से किसी भी एक लेवल को जब टूटेगी तो हम लोग वहाँ अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। तो 41312 के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर ऊपर जैसे निकलता है वहाँ हम लोग एक पोजिशनल बुलिश ट्रेड लेंगे, और हमारे लिए टारगेट्स होंगे 41482, 41678 और 41840 के। तीनों टारगेट्स हम अचीव कर सकते हैं इस वीक में। नीचे की ओर अगर प्राइस नीचे की ओर मुड़ जाती है और वो ब्रेक करती है 41241 को तो फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे, और फिर हमारे नीचे की ओर के टारगेट्स होंगे 41047 और 40812 के। तो ये जो रेंज होगी इस वीक की, और इस वीक के इस रेंज में ही प्राइस हमको
काम करते हुए दिख सकती है। नीचे जैसे हम लोग यहाँ आते हैं तो 40,800 के आसपास अगर आ जाते हैं तो वहाँ आप, या आप यहाँ से भी कहीं भी प्राइस आपको मुड़ते हुए दिख भी सकती है। तो नीचे की ओर आपको जब भी एक अच्छा ट्रेड मिलता है तो वहाँ आप वापस से पोजिशनल लॉन्ग लेके जा सकते हैं। स्टॉक्स जो इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 5 स्टॉक लाया हूँ और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लाया हूँ। तो अच्छी क्वालिटी का मतलब है मोस्टली ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो मैं आपके इस बार लेकर आया हूँ। और एक पहला वाला है उसमें से रिलायंस। तो रिलायंस में यहाँ बाय करके चलना है और उसके जो लेवल्स होंगे वो होंगे, बाय करेंगे हम लोग 2592 के ऊपर, टारगेट होगा 2677 और 2819 के, स्टॉप लॉस आपको रखना है 2526 का। फिर हम नेक्स्ट स्टॉक जो है वो भी मारुति। मारुति ने एक अच्छी खासी यहाँ हम लोग एक अप ट्रेंड दिया था, थोड़ा सा अब ये वापस से रिट्रेस हुआ है और रिट्रेस होके वापस से ये मंडे से ही आपको एक अनदर एक अच्छी मूव दे सकता है। इसलिए 9314 ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी मंडे की। ओके, वहाँ उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे 9314 के ऊपर, और फिर हमारा जो टारगेट होगा 9988 का, स्टॉप लॉस हमको रखना है 9152 का, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 9988 का। तीसरा जो स्टॉक्स है वो लेकर आया हूँ मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस। ये इंश्योरेंस की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, या PSU कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत बड़ी गिरावट के साथ में ये काम कर रही है। तो अगर हम लोग ये देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट लो पे काम कर रहे हैं, बहुत नीचे आ गए हैं और वहाँ ये ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ बन रही है। प्राइस के अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से, ये डबल होने के चांस है पूरे साल भर में, याद रखिए डबल होने के चांस है। तो कोई अगर लंबी अवधि के लिए, लंबे टारगेट के लिए काम करना चाहता है तो इसमें यहाँ आप एंट्री कीजिए। 9475 की आपकी एंट्री रहेगी, टारगेट्स होंगे 105, 120, 147 और 180 तक के भी टारगेट्स आपको यहाँ आते हुए दिख सकते हैं एक साल के अंदर। तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए और खड़े रहिए लंबे समय तक, डबल होने के चांस पूरे हैं। तो ये एक स्टॉक्स है जो मैं आपको लंबे समय के लिए रिकमेंड करना चाहूँगा, यहाँ आप ज़रूर से एंट्री कीजिए। एक और स्टॉक है जो भी रिलायंस ने जिसको अभी टेक ओवर किया है और ये भी अपने हाई से बहुत नीचे है, करीब करीब कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40% नीचे पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी एक अच्छी खासी बढ़त की संभावना हमको दिख रही है। ये आपको बाय करके चलना है 649 के ऊपर, टारगेट होंगे 726, 833 और 926 के, और यहाँ से ऊपर होके 1100 रुपये भी आ सकता है, 1100 साढ़े 1100, तो 1100 तक के भी टारगेट आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। टाइम लगेगा, आप इसको 6 महीने 8 महीने साल भर का टाइम देंगे, वहाँ तक भी आपको ये आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 618 का। और आखिरी स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व अपने ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो अब ये नया हाई बनाने के लिए यहाँ से रेडी है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, तो यहाँ हमको बाय करके चलना है 1800, ये मेरी एंट्री पॉइंट है। 1800 पे आप बाय करेंगे 2224 और 2389, ये आपके दो टारगेट्स होंगे यहाँ से, काफ़ी बड़ा टारगेट से वापस भी, और इसके लिए आप यहाँ ट्रेड कीजिए। स्टॉप लॉस को आपको रखना है 1620 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पर राय, और बाजार पर राय में मैंने चर्चा की ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट की और निफ्टी बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां आपको ट्रेड करना चाहिए, पोजिशनल ट्रेड आप वहां ले सकते हैं। इंट्राडे की जो लेवल्स है मैं रोज अलग से एक वीडियो बनाता हूँ एवरीडे मॉर्निंग में, मॉर्निंग बुलेटिन के नाम से, और
वहां आपको इंट्राडे के लेवल्स भी मैं दूंगा, वो आप डेली के डेली आप उसको वॉच कर सकते हैं। पर मैंने जो वीकली रेंज है वो यहाँ मार्क करने की कोशिश की निफ्टी बैंक निफ्टी की, जिनको पोजिशनल ट्रेड लेना है उनके लिए, या जो ऑप्शन राइटिंग के लिए पोजिशनल करते हैं उनके लिए भी वो लेवल्स काम में आएंगी कि कहाँ उनको कॉल और पुट भेज के चलना है। इसके साथ ही वो स्टॉक्स में लेकर आया जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सब की ये सब जानकारी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके ट्रेड में, और यहाँ से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन फिर कहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कृपया कोई भी ट्रेड लेने से पहले जोखिम को समझें, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और अपनी जोखिम को समझते हुए ट्रेड कीजिए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते बाजार पर आके एक नए एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।